हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेड में। ट्रेड्स हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, लेटेस्ट फर्स्ट टाइम एनालिसिस होगा इस शेयर के ऊपर। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो इसी के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, देखिए इंडिया आ जाता है नाम में तो गवर्नमेंटेड है ये, मतलब आपको डिविडेंड पे आउट तो हेल्थी रहेगा इस कंपनी का। बाकी रिटर्न वाइज कैसी है वो सभी हम लोग समझेंगे, चार्ट चेक, फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ इसका विस्तार से एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। पूरी कंपनी के बारे में हम लोग पूरा थ्रोरली इसका एनालिसिस करने वाले हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। और आपके जो भी डाउट हैं इधर कमेंट बॉक्स में अपना पूछ लीजिए करिए। और जिन लोगों को वीडियो अच्छे लगे वो लाइक करिए, क्योंकि इससे क्या होगा और लोगों को रिकमेंड होगा, और ये कंपनी काफी अच्छी है तो मैं चाहता हूं कि और लोगों को रिकमेंड भी हो। तो देखिए अभी करंटली जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड वो 88.20 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रही है। आज 5% का अपर सर्किट लगाया है, इसके अर्निंग के रिजल्ट टुमारो है। और ईपीएस जो है इसका बेसिक वाला 5.45 है। मार्केट कैपिटल नॉर्मल सी आ जाती है 47 बिलियन की। डिविडेंड काफी अच्छा खासा है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी सेक्टर वाइज काफी अच्छा है 15.5 का। तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से आ जाती है कंपनी, काफी अच्छी परफॉर्म कर ही रही है। आपको इसमें अभी देखिए नो डाउट अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो आपको इधर से बहुत बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं आने वाले मंथ 3 मंथ के लिए, जैसे 120-140 इससे अबव टारगेट। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर अभी हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं। देखिए ट्रेड्स, इंडियन रुपीस में मार्केट कैपिटल जो आ जाती है 4,957 करोड़ की, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू की बात करें ट्रेड्स तो 43.3 है, तो बुक वैल्यू से अभी अबव ट्रेड कर रही है लगभग 2 टाइम, फिर भी शेयर का प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी डिविडेंड की बात करें तो हेल्थी डिविडेंड पे आउट इसका रहता ही है, उसके बाद इसने रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा दिया है। कैपिटल इंप्लॉइज पे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है 28.8%। फेस वैल्यू 5 है, अगर फ्यूचर में स्प्लिट होने का प्लान हुआ तो कर सकते हैं। बाकी इसका ऑल टाइम हाई प्राइस देखें तो 296 तक ऑलरेडी जा चुकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 51.3% है, अच्छी खासी होल्डिंग आ जाती है। रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी का अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ इतना बेहतर नहीं रहा है पिछले 12 महीने में, लॉकडाउन आ जाता है उसकी वजह से, पर आने वाले जो अभी नंबर हैं वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी Q1Q प्रॉफिट जो है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव में आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर नेगेटिव में आया है नेट प्रॉफिट का, पर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कम आए हैं। बाकी प्रोकॉन्स पे बात करें तो कंपनी डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, इसका डिविडेंड येड भी जो है काफी अच्छा है और हेल्थी डिविडेंड पे आउट 70.44% का बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है कंपनी, बहुत बड़ी बात आ जाती है। अदर इनकम इंक्लूड करता है 250 करोड़ का, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखिए इसके पीर कंपैरिजन में काफी सारी कंपनियां आ जाती हैं, इसका काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट है। राइट्स भी आ जाती है, राइट्स का मेनली रेलवे फील्ड में काफी वर्क आ जाता है। आपको इंजीनियर इंडिया यहाँ पे 4th नंबर पे दिखा रहा है अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ। अब इसके नंबर डिस्कस करें तो अभी नंबर आए नहीं है, नंबर आ जाएंगे तो हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे। पर आपको मैं बताऊं यहाँ देखिए सेम प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल में थोड़ा सा अंतर था, तो नॉर्मली अच्छी परफॉर्मेंस है क्योंकि सेल पहले से बेहतर हुई है, तो इस बार के नंबर और बेहतर आने की उम्मीद है। अब देखते हैं कैसे आते हैं नंबर। शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है लगातार, मार्च 2019 से मार्च 2020 तक आ चुके हैं, एक बार भी कंपनी लॉस में नहीं गई है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ट्रेड्स तो 10 ईयर का भी 19% है, 5 ईयर का 14% है, 3 ईयर का 16% है, लास्ट ईयर का 18%, तो अच्छा खासा परफॉर्म किया है। बस पिछले 12 महीने में जो है इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंड सेल ग्रोथ पे असर पड़ा है, बाकी कोई इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लास्ट 3 ईयर का देखेंगे तो वहां पे प्रॉफिट बेहतर था और सेल भी बेहतर रही है। चलिए अभी इसके अपडेट आएंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखिए इसके पास कोई डेप्ट नहीं है, बस 4 करोड़ का डेप्ट है, कोई इतना डेप्ट नहीं है। और मार्च 2009 से मार्च 2019 तक 0 बोरोइंग्स थी कंपनी की, तो एक बहुत बेहतर बात आ जाती है। तो बोरोइंग्स अभी भी 4 करोड़ की है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। पहले से लायबिलिटीज भी कम किया है कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट भी पहले से अच्छा कर रखा है। ये सितंबर 2020 का है, अभी मार्च 21 का आना बाकी है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात कर लेते हैं क्योंकि इसके अपडेट आ चुके हैं। तो मार्च के नंबर देखा जाए तो इसमें 51% प्रमोटर्स की आ जाती है,
उसके बाद FIIs की होल्डिंग पहले से बड़ी है, DIIs की थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, फिर भी अच्छे नंबर है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस शेयर का काफी हेल्थी और स्ट्रांग दिख रहा है। अब चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, जिनको बाई करना है, फ्रेश कॉल लेना है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लेना है, वो सब कुछ समझते हैं। देखिए इसके अर्निंग के रिजल्ट आने वाले हैं अभी, तो देखिए कंपनी ने अभी पहले भी डिविडेंड प्रोवाइड किया था, तो डिविडेंड पे आउट इसका अच्छा है। आप इसको बाई कर सकते हैं एक डिप के साथ, 82 से लेके 85 अराउंड वो प्राइस आ जाता है। अगर आपका लॉन्ग टाइम व्यू है तो 80 रुपीज से लेके 85 के अराउंड आप बाई करिए, और इसके टारगेट आप काफी बड़े लेके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है 92 रुपीज 40 पैसे पे। इसके ऊपर क्लोजिंग होती है अगर आने वाले दिनों में तो ये बहुत अच्छा, फिर उसके बाद आपको बड़े टारगेट जैसे कि 100 अराउंड टारगेट मिल सकता है, फिर 110 अराउंड, फिर उसी तरीके से 120 अराउंड, और आने वाले टाइम पे 130 प्लस भी टारगेट हमको देखने को मिलेगा। सब कुछ नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर अच्छे आएंगे पर हमको जानना है कितने हेल्थी और कितने स्ट्रांग नंबर आने वाले हैं। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं पी के अराउंड 80 रुपीज के अराउंड, और जो ट्रेडिंग पर्पज से हैं वो भी एंट्री ले सकते हैं, पर उनका जो टारगेट है वो आपको 92 रुपीज तक का ही अभी नजर आ रहा है, तो आप इसको डिप में बाई करिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप और डिप का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो और डिप कितना 75 से लेके आप इसको 80 अराउंड इसको बाई कर सकते हैं, 85 तक भी आप जा सकते हैं। ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहीं पे कि आपको जो चार्ट की मूवमेंट है वो इतनी स्पीड से नहीं मिलेगी, मतलब रिटर्न वाइज आपको शेयर प्राइस से रिटर्न जो है वो इतना जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब जैसे कि 130 का जो टारगेट है वो आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, पर हाँ आपको कंपनी डिविडेंड जो पे करती है उससे आपको काफी अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग व्यू हैं तो आपको इस कंपनी में पक्का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट शेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।